नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में सेव गिरा है और इससे महाराष्ट्र के चुनावी रण में नया मुद्दा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने को लेकर अपने ऐतिहासिक फैसले को महाराष्ट्र के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया है, लेकिन अब चुनाव में कश्मीर सेव का मुद्दा भी उठ चुका है। यह मुद्दा उठाया है कांग्रेस छोड़ चुके कृपा शंकर सिंह ने। पूर्व कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह ने ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज जैसे अमेजॉन, बिग बास्केट और ग्रोफर को एक लेटर लिखा है। कृपा शंकर सिंह ने कश्मीरी सेवों के लिए विशेष सेल्स व प्रमोशन स्कीम लॉन्च करने की मांग की है। कृपा शंकर सिंह ने खत में अमेजॉन, बिग बास्केट और ग्रोफर से आग्रह किया है कि वे इसमें अपना मुनाफा छोड़ दे, जिसके चलते कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। धारा 370 और 35 ये अनुच्छेद जो है वो हटा लिया गया। कश्मीर अब पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बन गया है और यहाँ पे दो झंडा नहीं होगा, दो चीख नहीं होंगे। ये भारत का पूरा युवन खुशी इस बात की मैं जिक्र कर रहा था और मेरी इच्छा थी कि सब लोग मिल करके एक ऐसा माहौल बनाएंगे कश्मीर की जनता का क्या होगा। ये तो हट गया, स्वतंत्रता तो मिल गई पूरी तरह से, नहीं वहाँ खुशहाली कैसे आएगी। वहाँ का नौजवान जिनके हाथ में कुछ नहीं है, कभी कभी वो टेलीविजन देखता हूँ, कुछ नौजवान के हाथ में पत्थर होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। नौजवान इसके लिए नहीं पैदा हुआ है, नौजवान कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, उसके अंदर एक जिज्ञासा है। तो मैंने जो लगा मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में 1972 में आया था मुंबई में और मैं रोजी रोटी तलाश में आया था, तो हम साधन मिला, नौकरी करी, फिर धीरे धीरे राजनीति हो गया, कई मतलब जगह करने मौका। लेकिन जब उन नौजवानों को देखता हूँ मुझे पीड़ा होती है। मैंने कहा बेहतरी के क्या करना चाहिए। सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि सरकार वहाँ की खुशहाली के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ जब विकास होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोग बाहर से जाके ज़मीन खरीद सकेंगे, तब तो होगा वहाँ पे। वहाँ किसी की ज़मीन कोई कब्जा नहीं करेगा, जैसे और जगहों पे है। ज़मीन कोई कब्जा थोड़ा करता है, ज़मीन खरीदता है, खरीदेगा किस उनकी ज़मीन खरीदेगा, उसके पैसे मिलेंगे, वहाँ उत्पादन होगा, फैक्ट्री खुलेगी, लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन सब ज़्यादा वहाँ की जवाब बड़ी सबसे फैक्ट्री कही जाती है, वो जो एप्पल है, जो सेब पैदा होता है कश्मीर का एप्पल, और भी ठंडे प्रदेशों में एप्पल की खेती होती है, हिमाचल में होता है, ये कश्मीर के एप्पल और ख़ास करके कश्मीर का एप्पल को ये जो ई कॉमर्स कंपनी है उनको मैंने चिट्ठी लिखी है, चाहे वो मतलब अमेजॉन हो, चाहे वो ये अपना ग्रोफर्स हो, ये अपनी तीसरी कंपनी फूड मार्केट का है, इन लोगों से मैंने अपील की है, चिट्ठी लिखी है कि आप जो है उनसे परचेज करें और उनको एक अच्छी कीमत दें, आप जो है अपना फ़ायदा कम रखें, प्रॉफिट थोड़ा कम करेंगे और एप्पल लोगों तक जाएगा तो ये बहुत बड़ा काम शुरू हो जाएगा। वहाँ के कश्मीर में जो एप्पल पैदा करने वाले उत्पादक हैं, मज़दूर हैं, कई समस्या है ना वहाँ, मतलब गाड़ियाँ लगेंगी, ट्रांसपोर्ट है, लेबर काम करने वाले लोग हैं, मतलब ये खुशहाली के एक नया ये लगेगा। और भी चीज़ पैदा होती है वहाँ पे, ये अपना बादाम है, अखरोट है, राइस भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब हर जगह पैदा होते हैं। यानी इन तमाम चीज़ों को कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए, वहाँ के जनजीवन को, जनजीवन की बेहतरी के लिए कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे लगा और मैंने इसलिए चिट्ठी ली। सर अनुभव ऐसे कि 370 और 35 के प्रचार में अनुभव में आप लगे ऐसा कुछ लगा? मीन्स मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि कांग्रेस पार्टी जिसमें मैंने 42 साल निकाले थे, मुझे पार्टी छोड़ने में बहुत कष्ट हुआ है, व्यथित होकर गया कि वहाँ चर्चा किसकी होनी चाहिए थी कि कश्मीर के जनजीवन सामान्य कैसे होंगे, कश्मीर का हालात कैसे सुधरेंगे। ये तो हटा दिया, इसके बाद क्या, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और वहाँ के नौजवान अभी कश्मीर से हटके भी
कभी यहाँ मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले और लोगों को वहाँ मतलब शादी ब्याह करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अगर हम कोई यहाँ का हिंदू या मुस्लिम जो भी नागरिक हो वहाँ जा कुछ करना चाहे तो जगह भी नहीं ले सकता था। तो जब हमारा देश हिंदुस्तान एक है तो हिंदुस्तान में तो नहीं देखा कि कोई अकलियत का आदमी जा करके इसका विरोध करता हो, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, कश्मीर के लोगों को कुछ अपनी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को सुलझाना चाहिए, सरकार पहल करनी चाहिए। मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी जो घोषणा हुई है कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ये पैकेज जो वहाँ के लिए तैयार किया गया दिया जा रहा है। एक बार जनजीवन सामान्य होगा और इस ढंग के मतलब उनके ऑर्डर को खरीद आएगा तो मुझे लगता है कि 370 और 35 से का अनुच्छेद हटाना सार्थक होगा। और भरोसा मुझे है कि वो लोग जो वैली से बाहर नहीं निकल पाते थे वो वैली के लोग मुंबई आएंगे, मुंबई के लोग वैली भी जाएंगे। एक जनजीवन जो हिंदुस्तान का एक दूसरे से भाईचारा है, एक दूसरे की इंसानियत तकाजा है, वो सब